खिलाफ तरमीम की जाए तो कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लग सकता है। नया तरीका चल गया है, मोबाइल दिए रहते हैं, नौजवान हैं, चल गए हैं मोबाइल बनते भी चले जाते हैं, आगे कौन आ रहा है, इससे तुम्हारी भिड़ंत हो जाए, किसे भिड़ जाओ, इतना भी एहसास नहीं है, इतना भी एहसास नहीं है। अरे मोबाइल हो देखो फायदे से कि चलते चलते जो है ये हो रहा है, मोबाइल देख ही जा रही है, इसको हम कोई ऐप नहीं समझते, बात बात में गाली मरूद देते हैं, इसको हम कोई ऐप नहीं समझते, ये सब गुनाह के काम हैं, गुनाह सगीरा भी हैं, कबीरा भी हैं, इससे हमें अपनी जबान को महफूज करना चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुस्लिमों मन सलमा मुस्लिमों ना मिल लिसान ही वजह, मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे। आप अपने हाथ से किसी को तकलीफ न पहुँचाइए, अपनी जबान बयानी और गाली गलौज से किसी को ईजा न पहुँचाइए, वरना आप पक्के और सच्चे मुसलमान नहीं रहेंगे। मेरे आका की वजह खाने से पहले क्या दुआ पढ़ते थे, कोई मर जाता तो हमारे दरवाजा में कौन सी दुआ पढ़ते थे, लेकिन आज हम दीनी उलूम से इतने काफिल हो चुके हैं कि हम कुछ सीखते ही नहीं। नमाजें हैं पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने का भी तो तरीका नहीं है, कैसे आप वुज़ू करेंगे, कैसे आप नमाज पढ़ेंगे, कैसे आप रुकू करेंगे, कैसे आप सजदा करेंगे, ये किससे सीखेंगे, कब हमें जाएंगे तब सीखेंगे, मुंकर नकीर सिखाएंगे। आप तो जो नमाज के मसाइल नहीं मालूम है, आप उलमा से रुजू कीजिए, तकबीरें सुनिए, उनसे कहिए मौलाना साहब आज नमाज का तरीका बताइए, वुजू का तरीका बताइए, जब आप जानेंगे तभी कुछ अमल करेंगे। बैठना है किस तरह बैठ रहे हैं आप, किसी तरह वुजू में कौन फराइज है क्या आप तो मालूम ही नहीं, बाप मर गया, बीवी मर गई, बेटा मर गया, ऐलान हो गया था मौलाना साहब आज हमारे जनाजा पढ़ा दिए, जिसकी माँ है जिसका बाप है वो पीछे खड़ा है, उसे ये पता ही नहीं कि कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाह अकबर कह के हाथ मार लिया और सलाम फेर दिया, काम खत्म है, उसे कुछ नहीं मालूम। जब अल्लाह अकबर पहली मरतबा इमाम कहे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सुभान अल्लाह और हम्द का वतवार कसम का वताला जद का बुलाया ला गैरु वजल सना का बुलाया ला गैरु का, ये पूरी दुआ सना है। जो सी तकबीर आए तो आप दरूद शरीफ पढ़िए जो नमाज में पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद दुआ मगफरत पढ़ी जाती है, अल्लाह के लिए हजना हो गई कितना व शाहजना हो गाय जना व जतलाना बहुसाना, बड़े के लिए अलग दुआ है, नाबालिग लड़के लड़कियों के लिए अलग दुआ है, उसके बाद चौथा सलाम, तब आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और पूरी हुई, अल्लाह ताला उस मुर्दे को माफ फरमा देगा। लोग समझते हैं कि बस मिट्टी दे दिया काम हो, और वो भी इतनी जल्दी कि बस पूछिए मत, जबकि मिट्टी देने का तरीका है अहसास से और मीनहा फलक नाकुम, इसी मिट्टी से अल्लाह फरमाता हमने तुम्हें पैदा किया, एक मुट्ठियों में लीजिए उसके बाद ये पढ़िए। दूसरी मरतबा आप दोनों हाथों से जब मिट्टी लेंगे तो आप पढ़ेंगे वह फिया नौड़ी दो और इसी मिट्टी में हम तुम्हें लौटाएंगे। तीसरी मरतबा जब आप दोनों हाथों की हथेलियों में मिट्टी लीजिए तो पढ़िए वनु हटने जो तुम तार उठा मीनहा फलक नाकुम वह फिया नौड़ी दो चीजें हैं, एक एक मरतबा उसको जो है पढ़ना है मिट्टी देना है। जब आप इस तरह से मिट्टी देंगे तो आपको अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा, जनाजा में जाने का, नमाज पढ़ने का, मिट्टी देने का बहुत बड़ा सवाब है। हदीस में आता है कि दो किलात के बराबर सवाब दिया जाएगा, एक किलात उहुद पहाड़ के बराबर होता है, इतना सवाब अल्लाह आपको देगा जिस तरह उहुद पहाड़ के जरों को नहीं गिना जा सकता, ऐसे ही मिट्टी देने वालों की फजीलत और उनके सवाब को नहीं गिना जा सकता।
लेकिन हमें कोई एहसास नहीं, बस वही दुनियादारी, वही दौलत कमाना, वही दुनिया तल्ली में रहना, यही सब हम सोचते हैं, यही सब हम करते हैं। अरे दुनिया से चले जाओगे, माला के बैल बैलन कारोबार कुछ नहीं काम आएगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जैसे दुनिया में आए हो वैसे ही जाओगे, मगर कब या तो जन्नत का एक गड्ढा है या जहन्नम का एक गड्ढा है। अगर हमारे सारे हाथ आपके पास है, नेक आमाल लेकर आएंगे, वो कब्र का गड्ढा नहीं होगा, जन्नत की खिड़की खुलेगी, जन्नत के बाद की हवाएं आएंगी। लेकिन अगर आप लोग भूले हमारी कंधे पेशाब करके भूले नहीं है, मोबाइल करते हैं, इनका भी बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा मेरे आका तशरीफ ले जाए, जब एक कब्रिस्तान से गुजरे, देखा कि कब परिवारों पर अज़ाब हो रहा है, तो आपने सहाबा इकराम साथ में थे, फरमाया कि जाओ हरी शाख ले आओ, खजूर की एक हरी शाख लेके आओ। सहाबा इकराम ने अमल किया, गए और एक खजूर का दरख्त था, उसकी एक हरी शाख को काटा, ला के खिदमत नबी ने हाजिर कर दिया, या रसूलल्लाह आपके हुक्म की मैंने तामील लिया, और उसको दो हिस्सों में चीर दिया, और एक हिस्से को एक कब्र पर डाला और दूसरे हिस्से को दूसरी कब्र पर डाला। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह इसमें मसलहत हिकमत क्या है, आखिर क्या हो रहा है? फरमाते हैं, वमा जुआन ज़बान थी कभी, कब्र वालों पे अज़ाब तो हो रहा है, मगर किसी बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा है। जिसको वो गुनाह नहीं समझता था वो गुनाह करता था, इसलिए उसके अज़ाब दिया जाए। सहाबा ने कहा, वो कौन सा गुनाह था जो इन लोगों ने किया था? फरमाया, मेरे आका ने रहा उनमें से एक आदमी जो इस्तिंजा करता था तो पेशाब के कतरे से बचता नहीं था, खड़ा हुआ या बैठा है बस इस्तिंजा कर दिया, कतरे जो है उसके पैर में लग रहे हैं, उसके कपड़े में लग रहे हैं, उससे बचता ही नहीं था। लाइसन हुआ उसी के बिना पर यह अदा शुरू कर दिया गया। कहोगे दूसरा, कहा दूसरा आदमी, तो ये चुगल खोर था, दिन भर इधर उधर जाता घूमता था और ये चुगल खोरी करता था। उनके पास जाए तो इनकी बात की चुगल खोरी करे, इधर जाए इधर चुगल खोरी करे, दिन भर लोगों को लड़ाता बुलाता चुगल खोर, इसलिए जो है इसको कब्र ही से आदाब दिया है। तो अल्लाह के महबूब ने हर छात्र को जो है इस पर नसर कर लिया, बतलाया ये कि कब्र के ऊपर अगर हरी घास है तो उसे उखेड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये सब चीज़ें अल्लाह की तारीफ करती हैं, और जब तक हरी छात्र अल्लाह के हम तब्दील बयान करेगी, उस वक्त तक अगर मुर्दे पे अदाब दिया जा रहा है तो अल्लाह ताला उनके अदाब में तकलीफ फरमा देगा, उनके अदाब को हल्का कर देगा। और हम लोग अपनी कब्रों पर जाते हैं और वहाँ अपने वालिदैन के लिए भाई मफरत करते हैं। साल में एक मरतबा सुबह बरात पर कुछ कब्र की मरम्मत करा दी गई, मैंने कई कब्रिस्तानों में देखा बारिश की वजह से कब्रें धस गई, चलना मुश्किल है। एक नहीं, एक कब्रिस्तान में मैंने 7-8 कब्र को देखा, सब धसी हुई। हमें इतनी भी तौफीक नहीं होती कि कम से कम अपने माँ बाप या जिसकी भी वो कब्रिस्तान है वो उन कब्रों को तो दुरुस्त से कर ले। और शबे बरात में एक दिन गए, उसके बाद फिर आए, और उससे बढ़कर ये है कि कब्रिस्तान में हम क्रिकेट खेलते हैं साहब, दौड़ते हैं उस पर। अरे ये मुसलमान है, जिस तरह उसकी इज्जत जिंदगी में है, बात मरने के लिए उसकी इज्जत है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, एक मरने वाले की हड्डी को तोड़ना ऐसे ही है जैसे कि कोई दुनिया में जिंदा है और उसकी हड्डी तोड़ी जा रही है। भला बताइए कौन ऐसा बेटा होगा जो ये गवारा करेगा कि मेरी माँ की कब्र पर कोई चप्पल पहन कर जाए, कोई क्रिकेट खेले, मेरे बाप की कब्र पर जाए, वहाँ पे कूदे फलाए छलाए और क्रिकेट खेले, कोई पसंद करेगा? जिसके अंदर ईमान है वो हरगिज पसंद नहीं करेगा। इसलिए कब्रिस्तान का हुक्म है, जब तुम जाओ तो वहाँ पर सलाम अलैकुम या अहले कब्र, वही ना इंशाअल्लाह तुम लड़ा है।
जाते हैं कब जब सलाम तक नहीं पढ़ते, रोते हुए चले आते हैं। वो महाराज यहाँ तक लिखा है कि अगर कब्रिस्तान को रास्ता ना बनाओ, अगर रास्ता बना ही लिया है तो कोई कब्र पे से मत जाओ। अगर देखो ये निशान है, अगर ये कब्रें जो हैं धस गई हैं तो उसमें कदम मत रखो, इतना ही काम करने को कहा गया। और कब्र पर हम लोग जाते हैं और आप लोग नदीन हैं और राम हैं, उनकी कब्र पर हम जो है माला पेश करते हैं, गुलाब का फूल पेश करते हैं। अगर बत्ती तो हरगिज अब अगर नहीं गाड़नी चाहिए, इसलिए कि ये जहन्नम की सिफत है। और अगर किसी को अगर बत्ती सुलगानी है तो उसके लिए अलग जगह बनानी चाहिए, वहाँ पे उसको जाकर सुलवाना चाहिए। ये नहीं कि लोग जाते हैं बाद में उनको देखा अपने माँ बाप की काफ़ी कच्ची है तो चार जगह उसी अगरबत्ती को गाड़ देते हैं, उनको इल्म नहीं है, जानबूझकर ऐसा करते हैं। सबसे बेहतर ये है कि आप अपने माँ बाप की कब्र हो, उस्ताद हो या शागिर्द हो, ऐसा तालिब हो, आम मुसलमान की कुरूर हो, उस पर आप गुलाब का फूल लगाओ। जब तक ये अल्लाह की हमद करेंगे उनके ऊपर अल्लाह की रहमतों और अल्लाह की बारिशें होती रहेंगी। और किताब आलमगीर में लिखा हुआ है वह मधुर कबूल हसन, कब्रों पर खुशबू का डालना जो है ये एक अच्छा तरीका है। किताब आलमगीर जो तमाम लोग महाराज सबसे फतवा देते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है। इसलिए अगर अल्लाह के कबूल हो या मुसलमानों की कब्र हैं वहाँ जाइए और उनके लिए इशारे सवाब कीजिए, दुआएं मफ़रत कीजिए, कब्रों का इंतजाम कीजिए। तकरीर तो बहुत होती है, होती रहेगी, अब तकरीर की ज़रूरत नहीं है, अब अमल करने और कराने की ज़रूरत है। इसलिए कि हमारी इस उम्मत जो अल्लाह ने हमें बना के भेजा खैर उम्मत फरमाया, उनको इसमें नहीं मानेंगे तो आपका हाजी नहीं होगा। दूसरा फर्ज ये है हज में कि आप वो कूफे अरफात जाइए, अरफात में ठहरिए और वहाँ दुआ कीजिए। तीसरा फर्ज ये है कि तवाफ़े ज़ियारत कीजिए। ये एक हाजी के लिए जो हज तवस्सो करता है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान ज़्यादातर ये हज है, ये भी नहीं पता हज कह कर आता है। ये सब सीखेंगे पढ़ेंगे अपने हज होगा। अपने नाम का चले आते हैं, न कहीं कोई दुआ पढ़ पा रहे हैं, ना आपको तंजिया है। इतने के तो हमने देखा कि रवि जमान भी नहीं करते, देखने के साथ सोए हुए हैं और वहाँ जाते भी नहीं। हज नहीं गए तो किसी
इसको अपना वकील बना लो। कहने का मतलब ये है, ये दीन का इल्म ये हर मुसलमान औरत में चले फर्ज है। तलब में फरी है तू लगा कर ले मुस्लिम और मुसलमान, तलब इल्म हर जगह हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लड़के और लड़कियों को आगवा और हाजला बनाइए। मुबस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते इसका मतलब ये है जो दीन की जरूरी बातें हैं उनके मसाइल को हासिल करना सीखना ये आपके ऊपर फर्ज है। नमाज पढ़ना है, आप नमाज के बारे में पूरे मसाइल जो है उसको आप जानिए सीखिए। इमामत करनी है, जो इमामत के फराज हैं उसके बारे में आप जानिए पढ़िए अमल कीजिए। अज़ान कहना है तो अज़ान के कलमात किस तरह कहना है उसके बारे में सही किसी आदमी से जो है आप पढ़िए अज़ान कीजिए। ना कलमात अज़ान हम सही पढ़ पा रहे हैं ना हम गिरस सही पढ़ पा रहे हैं, बस किसी तरीके से गए और जो है सच सचिया सलाम तेरा भाग जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता है कि हमें नमाज अपनी किस तरह पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ना है, जरूरी है और आपकी सांसद है, मगर नमाज नमाज की तरह पढ़ा और नमाज और नमाज इन सलात तन्हा अनिल भाषा है वह मिलकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोक देते, हर चीज़ का एक मकसद है। नमाज क्यों पढ़ी जाती है? अल्लाह ताला फरमाता है नमाज पढ़ोगे ये तुम्हें बुराइयों से मुनकरात से रोक देंगे, तब तुम वो काम नहीं करोगे जिसको ऐब समझा है। और अगर किसी की नमाज है प्रवक्ता नमाजी भी है और वो ऐसे काम कर रहा है कि नमाज के लिए कुछ काफी नहीं है, ना वो है से रुकता है, ना वो बेशर्मी से रुकता है, ना मुनकरात से रुकता है, ना फवाइश से रुकता है, सर सजे में होता है, दिल दिमाग कहीं और होता है, हर वक्त उसी में लगा रहता है, तो ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा? अरे नमाज वो पढ़ो जैसा अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और उस नमाज का असर तुम्हारे चेहरों पर दिखाए, तुम्हारे अमल से साबित हो, तुम्हारी बना कदा रफ्तार रफ्तार सुंदर सीरे से मालूम हो। एक नमाज जब बाहर निकले तो मालूम हो कि वाकई ये नमाज पढ़ के आ रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है, गुलाम नबी जा रहा है, नमाजी जा रहा है, जो नमाज पढ़ के घर वतन में जा रहा है, घर जा रहा है। और ये मस्जिदें ये आबाद करना है, मस्जिद तो बनानी शहर में, ईमानी हर हालत वालों में मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बनना है। मस्जिद बनाना आसान है मगर मस्जिद को आबाद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मस्जिद के लिए एक गदा है और उसकी गदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुकाया जाए, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो मस्जिद को गदा नसीब नहीं होगी। इसलिए मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद की हिफाजत करना, मस्जिद में पाकी भी के काम करना, मस्जिद में सफाई करना ये भी बहुत अहम जरूरी है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक काली कलूटी औरत थी, उनका काम ये था कि रोज़ाना जो है वो मस्जिद में जाती थी और जितने कूड़े करकट है सब तो बटोरती थी और ले जाकर बाहर फेंका। अल्लाह के महबूब देखते थे, कुछ दिन के बाद देखा वो औरत नजर नहीं आ रही, पूछा कि वो कहाँ है, लोगों ने कहा यार रसूलल्लाह उनका इंतकाल हो रहा है। सहाबा पे आप रहम हुए, फरमाया तुम लोगों ने मुझे इंतकाल क्यों नहीं दी उसके मरने की? कहा यार रसूलल्लाह रात का वक्त था, हम लोगों ने समझा कि आपको जहमत होगी तकलीफ होगी इसलिए हमने आपको इतला नहीं दी। फरमाया अच्छा तो उसकी कब्र है कहाँ है चलो बताओ। सहाबी गए साथ में लेके अल्लाह के महबूब गए जहाँ उसकी कब्र थी, सरकार ने वहाँ पर उसके लिए दुआए मगफिरत की, अल्लाह अल्लाह जिस कब्र के पास मेरे आका खड़े हो जाए दुआए मगफिरत कर दें तो वो उसकी कब्र भी दुनिया में जन्नत है और आखिरत की इंशाअल्लाह तो वो जन्नत में जरूर है। नबी ने एक मस्जिद की सफाई करने वाली काली कलूटी औरत को भी वो इज्जत दी है ताकि
कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है सफाई सफाई कर मस्जिद का एक इनका उठा के भी आप बाहर करेंगे तो वो भी खुदा की बारगाह में आपकी नेकी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह शाम फरिश्ते आते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह आपके सलाम आपके गुना उम्मती ने मस्जिद से एक तिनका निकाल के बाहर कर दिया तो ये हमारा अमल की सरकार की बारगाह में रूम पेश किया जाए सुबह शाम रोहन करते हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम तो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है रसूलल्लाह जी मेरे आका की बारगाह में हमारे अमल पेश होते हैं। अब हमें अपने को किस शर्त में रखना चाहिए कि आका की बारगाह में हम पेश हों तो कहीं हम इस शर्त में ना दिखाई दें कि हम चोरी कर रहे हैं जुआ खेल रहे हैं हम बदतमीजी कर रहे हैं हम ख्वाहिश देख रहे हैं और हम बुरे काम देख रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के महबूब की बारगाह में जब हमारी पेशी हो तो एक गुलाम मुस्तफ़ा की तरह हो एक नबी के गुलाम की तरह हो नबी की उम्मती की तरह हो नबी को मानने वाले की तरह हो जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी हम वाकई काबिल मोमिन नहीं हो सकते काबिल ईमान वाले नहीं हो सकते। मेरे मिल्लत के नौजवानों और मेरे मिल्लत के बुज़ुर्गों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदाज से ठीक में तब्दीली पैदा करें अपनी सीरत सूरत वजह कदा रफ्तार रफ्तार सब बदले इसलिए कि ये नौजवानों के सरपरस्त हैं। जैसे सरपरस्ती करोगे वैसे ही हमारे जवान आगे बढ़ेंगे। हमारे नौजवानों का ये काम है कि वो इस्लाम के लिए कमर कसे और हर एक काम करें और अपने बड़े लोगों से राय मशवरा करें और उनके बताए हुए अच्छे रास्ते पे चलें। इसी में हमारे लिए भलाई है इसी में हमारे लिए कामयाबी है इसी में हमारी कामरानी है और इन्हीं कामों के लिए अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप तशरीफ नहीं लाए थे जानते हैं दुनिया का क्या हाल था। 771 साल तक कोई नबी पैगंबर नहीं आया सारी दुनिया में शीर के था दुनिया जुल्मत कदा बनी हुई थी। हजरत आदम ने सलाम की खिलाफत को दुनिया भूल चुकी थी। हजरत मूसा ने सलाम ने जो चिरागे टूट जलाया था उसकी रोशनी भूल चुकी थी। हजरत ईसा ने सलाम ने एतिलाद परस्ती तौहीद परस्ती का जो उजाला फहराया था दुनिया उसे भूल चुकी थी। हजरत नूह अलैहि सलाम का गज़ब तूफानी इंसानी स्वरूप से महव हो चुका था। हजरत अय्यूब अलैहि सलाम ने जो सब की सलामत की मिसाल पेश की दुनिया उसे भूल गई थी। हर नबी हर रसूल की तारीख को दुनिया भूल चुकी थी। 124,000 अम्बिया अलैहि सलातो वसलाम आए एक दो नबी पैगंबर नहीं आए हर जमाने में एक दो तीन तीन नबी होते थे और अल्लाह ने कुरान में 25 अम्बिया और रसूलों का नाम दिया है। एक आयत करीमा ने तो 70 अम्बिया और रसूलों का एक साथ नाम दिया है बाकी दीगर जगहों पर भी उनका नाम दिया है और हदीस से 124,000 अम्बिया की तादाद ली गई है मगर अल्लाह ने 25 अम्बिया और रसूलान इकराम का नाम कुरान में लिया है जो कद्र नबी थे शान उम्मत वाले नबी थे। पूरा कुरान आप पढ़ जाएंगे तो अल्लाह ने कुरान मजीद में 114 सूरते हैं मगर उसका एक हिस्सा सिर्फ अम्बिया के कसस पे अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक्यात बयान किए गए हैं। इससे बयान किए गए हैं क्यों बयान किए गए हैं इसलिए बयान किए गए हैं कि वो हमारे लिए सबक आमोद है नसीहत आमेज है हम उन्हें पढ़ें समझें और उनसे हम सबक और इबरत हासिल करें। इसलिए पूरे कुरान मजीद में कई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है हर नबी पैगंबर का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है और ये बताया है लोगो इन नबी के रास्ते के चलो और ये सब हिदायत याफ्ता हैं और अल्लाह ने इन्हीं के ऊपर इनाम नाज़िल किया है। ये वो लोग हैं उलाइका अल्लज़ीना अन्अम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीका। अल्लाह ने इनाम किया है उन लोगों पर मिनन नबिय्यीन नबियों पर इनाम किया है सिद्दीकों पर इनाम किया है शुहदा पर इनाम किया है और ये अल्लाह पर इनाम किया है। ये बेहतरीन साथी
یافتہ ہیں, اس لیے ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلنا ہے. نبی الانبیاء کی امتی ہیں, اس لیے ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے. صدیقین کے راستے پہ چلنا ہے, شہداء کے راستے پہ چلنا ہے, صالحین کے راستے پہ چلنا ہے. انہیں کا راستہ انعام یافتہ ہے اور انہیں کا راستہ صراط مستقیم ہے, اور انہیں کے راستے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق لطیف عطا فرمائے. اس لیے کہ ان سے بہتر کوئی طریقہ نہیں, ان کی سیرت سے بہتر کوئی سیرت نہیں. اور جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے آئے, تمام انبیاء جو شریعت بھی وہ منسوخ, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے,